हर हर गंगे, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी आशा के साथ में आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा आश्रम लेकर आई हूँ जो माँ गंगा हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में है और गूगल सर्च की माने तो ये हरिद्वार का नंबर वन आश्रम है। तो यहाँ पर रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, पार्किंग लोकेशन, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो किस तरह का एनवायरनमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हर की पैड़ी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये है जयराम आश्रम नंबर वन। वैसे तो जयराम आश्रम की टोटल 4 ब्रांचेज हैं हरिद्वार में, जयराम आश्रम नंबर 1, 2, 3 एंड इनफैक्ट 4 की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला था, और वहीं से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि आप जयराम आश्रम नंबर 1 और बाकी के ब्रांचेज की भी वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आश्रम की लोकेशन की, क्योंकि ये भीमगोड़ा में है इसलिए इसे जयराम आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार भी कहते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आपको हरिद्वार मेन रोड पे हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर आगे चलना है, उसके बाद लेफ्ट लेना है 200 मीटर, और 200 मीटर के बाद जब आप राइट लेंगे तो आपको जयराम आश्रम हरिद्वार दिखाई दे जाएगा। 512 AC एंड नॉन AC रूम्स की सुविधा के साथ में ये आश्रम हरिद्वार के सबसे फेमस आश्रम्स में से एक है। यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिल जाती है, इनफैक्ट यहीं पर हरिद्वार की जो सबसे बड़ी पार्किंग है पंदीप पार्किंग, वो भी पास में ही है तो आप वहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। ये कुछ आउटर एरिया है आश्रम का, और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी समुद्र मंथन की तस्वीर बनी है, और इसके सामने ही फाउंटेन शो होता है। इसके जस्ट अपोजिट में बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, पीछे से पहाड़ दिखाई देते हैं, और मंदिर में सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब आपको रूम्स की तरफ लेकर चलते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर कैटेगरी के रूम्स हैं, 2-bedded, 3-bedded एंड 4-bedded रूम भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वाला जो रूम हम देख रहे हैं ये 2-bedded रूम है विद अटैच्ड वॉशरूम। ये विदाउट AC नॉर्मल रूम है, और इसका जो हमें प्राइस बताया गया वो बताया गया 500 रुपीज़। ये डबल बेडरूम AC रूम है, और यहाँ पर आपको किचन स्लैब मिल जाता है, तो अगर आपके पास खाना बनाने का कोई सामान है तो आप यहाँ पर खाना भी बना सकते हैं। गीज़र की भी फैसिलिटी यहाँ पर है, और ये वाला रूम का जो प्राइस है वो 1500 है। मैं यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी रूम्स फैसिलिटीज़ और जो भी आश्रम वगैरह हम आपको दिखाते हैं वो एज अ विज़िटर हम देखने जाते हैं, और जो हमें दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं एज अ टूरिस्ट, वही इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेके आते हैं। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई आश्रम अच्छा लगे, कोई ना भी लगे, तो वो आप देख कर डिसाइड कर सकते हैं, हम आपको ऑप्शन बताते हैं। सो अच्छा लगता है जब आप एफर्ट्स को पसंद करते हैं। वीडियो तो आप लाइक कर ही देते हैं, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। तो जैसा कि मैंने बताया था 3-bedded एंड 4-bedded रूम्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अराउंड 1000 to 2000 के बीच में, बाकी डिपेंड करता है किस टाइप का रूम आप ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर इनकी खुद की कैंटीन भी है, तो आप चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं, और बाहर भी मार्केट ही है तो आप बाहर से भी कुछ खा सकते हैं। आश्रम का अपना खुद का गंगा घाट है, तो माँ गंगा के किनारे आप बैठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जयराम आश्रम नंबर 1 की, और इसी रोड पर जिस पर जयराम आश्रम नंबर 1 है उस पर ही जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें जयराम आश्रम नंबर 2 भी यहीं पर दिखाई दे जाता है, और इसमें भी इसी तरह के कमरे और रहने की फैसिलिटीज़ हैं। इसी रोड पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें श्री जयराम आश्रम नंबर 3 भी दिखाई देता है। इसको कस्तूरी राम मणिदीप आश्रम भी कहते हैं, और ये आश्रम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सामने ही शिवजी भगवान की मूर्ति आप देख पा रहे हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा मंदिर दिखाई देता है। बट जब हम लोग गए तो यहाँ पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से हम यहाँ के रूम्स नहीं देख पाए,
लेकिन अगर आप हर की पौड़ी के पास आश्रम देख रहे हैं तो आप इन आश्रम को भी देख सकते हैं। उसके अलावा जयराम आश्रम नंबर 4 जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा आश्रम है, उसकी मैंने पूरी एक फुल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।